तो दोस्तों रोचक तथ्य के नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। जी हाँ, मंगल ग्रह जो सदियों से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है, चाहे वो इंसान हो या साइंटिस्ट, हर किसी का मानना यह है कि मंगल ग्रह में कुछ तो खास है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती बसाई जाएगी। क्या सच में इंसानों को मंगल ग्रह पे बसाया जा सकता है, और बसाया जा सकता है तो कैसे? जी हाँ, एलन मस्क जो दुनिया के सबसे रईस इंसान है, उन्होंने ये सपना देखा है कि मैं मंगल ग्रह पे इंसानों को बसाऊंगा, और बसाऊंगा तो कैसे बसाऊंगा, कैसी होगी इंसानों की बस्ती मंगल ग्रह पे, किस तरीके से इंसानों को रहना होगा, और किस तरीके से मंगल ग्रह पे इंसानों को पहुंचाया जाएगा। तो इन सब के पीछे एलन मस्क, जी हाँ, जो दुनिया के सबसे रईस इंसान है, उनका क्या प्लान है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम बात करें मंगल ग्रह की, उससे पहले हमें पता होना चाहिए एलन मस्क जिन्होंने ये सपना देखा है। जी हाँ, उनका ये सपना है कि मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती बसाई जाए। तो एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस इंसान है। एलन मस्क ने अपने सपने को साकार करने के लिए 2002 में स्पेस एक्स नाम की कंपनी स्टार्ट की। आखिर इसके पीछे का एलन मस्क का तर्क क्या है, क्यों वो मंगल ग्रह पे इंसानों को बसाना चाहते हैं? तो उनका इसके पीछे ये तर्क है, एलन मस्क का मानना ये है कि या तो हम इसी पृथ्वी पे रह के भविष्य में इसके विनाश का होने का वेट करें, या फिर कोई ऐसा स्टेप उठाए जिससे इंसानियत बची रहे। जिस तरीके से एक उल्कापिंड ने डायनासोरों का अंत कर दिया था, ठीक उसी तरह भविष्य में ऐसा ना हो कि कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए और मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाए, या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि ऐसा विश्व युद्ध ना छिड़े जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो और पृथ्वी पूरी तरह खत्म हो जाए। इसी डर को खत्म करने के लिए या मानव का अस्तित्व बचाने के लिए एलन मस्क ने यह सपना देखा है, अगर पृथ्वी को कुछ होता भी है तो हमारा अस्तित्व मंगल ग्रह पे सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर मंगल ग्रह ही क्यों? हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रह हैं, तो इंसानी बस्ती सिर्फ मंगल ग्रह पे बसाने के बारे में क्यों सोचा जा रहा है? तो आपकी ये जिज्ञासा भी मैं खत्म करता हूँ। पृथ्वी के सबसे करीब है वीनस, जी हाँ, जिसको बोलते हैं शुक्र, जिसमें एसिड की बारिश होती है। उसके बाद आता है मरकरी, जिसे बुध भी बोलते हैं। ये सूर्य के इतने करीब है जिसकी वजह से इसका तापमान बहुत ज्यादा रहता है। अब रहा जुपिटर और सैटर्न, ये इनकी वायु यहाँ सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी इन पे गैस रहती है वो सब जहरीली गैस रहती है, यानी कि इंसान के यूज करने वाली इन पे कोई भी चीज रही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। जी हाँ, मंगल ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है और सूर्य से काफी दूर, जिसके कारण इसका तापमान माइनस के 60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब बात कर लेते हैं इस पे पाए जाने वाली गैसें यानी कि वायु की, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 96% है, नाइट्रोजन 2.5% है और ऑर्गन 2.1% है। और बात करें जो मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन है उसकी, तो वो सिर्फ 0.174% है, यानी मनुष्य को जिस ऑक्सीजन की जरूरत है उसकी मात्रा बहुत कम है। फिर अब बात कर लेते हैं इसकी ग्रेविटी की, तो जी हाँ, पृथ्वी से इसकी ग्रेविटी 1/3 है, यानी कि अगर इंसान एक छलांग मारेगा तो वो बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है। तो मंगल और पृथ्वी दोनों अपने अक्ष पर एक ही स्पीड से घूमते हैं, इसलिए मंगल का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से 40 मिनट ही बड़ा होता है, दिन लगभग बराबर होता है। तो इसीलिए मंगल ग्रह को बिल्कुल सटीक समझा जा रहा है इंसानी बस्ती बसाने के लिए। तो इसके लिए क्या प्लान है एलन मस्क के पास? जी हाँ, एलन मस्क ने सितंबर 2016 में एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने एक डायग्राम के जरिए बताया कि हमारे पास दो ग्रह, एक पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, एक दूसरा मंगल ग्रह जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब कैसे मंगल ग्रह पे इंसानों को बसाया जाएगा? जी हाँ, एलन मस्क का मानना यह है वो इस कॉस्ट को इतना सस्ता कर देंगे जिस तरीके से एक अमेरिकी अपना पैसा घर खरीदने में लगाता है, यानी कि कम से कम $2,00,000 अगर अमेरिका में कोई घर खरीदेगा तो $2,00,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से मान लें तो 1.5 करोड़ रुपए। जी हाँ, जिस तरीके से घर खरीदने में खर्च लगता है उतना खर्च में ही पृथ्वी से मंगल ग्रह पे भेजा जा सके। तो ये कैसे संभव होगा? तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने
इस कीमत को इतना सस्ता करने के लिए एक दिमाग लगाया। उन्होंने कहा अगर हम कोई भी स्पेस को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो उसकी कीमत डबल ट्रिपल होती है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी टेक्निक तैयार की, अब मैं बताने वाला हूँ, फैल्कन 9 उनका एक ऐसा रॉकेट है जो अंतरिक्ष में जाने के बाद फिर से वापस लौट के पृथ्वी पे आ सकता है, यानी कि इसको बोलते हैं रीयूजेबल। अगर हमारी कोई भी चीज रीयूज हो सकती है तो हमारा 5 से 6 गुना पैसा बच सकता है। एलन मस्क ने एक दिमाग लगाया, उनका फैल्कन 9 जो रॉकेट है उसने कुछ दिनों पहले यानी कि 2015 में सफलतापूर्वक उसको जमीन पे उतारा गया और समुद्र में भी उतार लिया गया, जिससे उसका एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक हो गया। अब उनका दिमाग काम कैसे करता है? जी हाँ, उनका मानना यह है अगर हम इसी रॉकेट को फिर से रीयूज कर सकते हैं तो हमारी जो लागत है किसी भी चीज को स्पेस में भेजने की यानी किसी भी चीज को अंतरिक्ष में भेजने की वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले जो ये रॉकेट है ये सीधा स्पेस को ले जाके पृथ्वी के कक्ष में छोड़ देगा, उसके बाद ये फिर से जमीन पे आएगा और इसके ऊपर फिर से जो फ्यूल टैंक है, जी हाँ, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, फ्यूल टैंक को लगा दिया जाएगा, ये फिर से पृथ्वी के कक्ष में जाएगा और वहां पे जो चक्कर काट रहा स्पेसशिप है उसमें फिर से वो तेल भरेगा, यानी कि जो भी ईंधन की रिक्वायरमेंट होती है स्पेसशिप को वो भरेगा और ये फिर से भर के जमीन पे वापस लौट आएगा और इस तरीके से इसको रीयूज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो रॉकेट होता है तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर हम कोई भी स्पेसशिप भेजते हैं उनमें जो भी रॉकेट यूज होता है वो 1 time यूज होता है। लेकिन SpaceX की कंपनी ने जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उसमें फैल्कन 9 उसको फिर से रीयूज किया जा सकता है, जिसके कारण जो हमारी दर है यानी कि जो उसका एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाएगा और कम पैसों में हम लंबी दूरी तक भी तय कर पाएंगे। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कौन सा दिन कौन सा टाइम सबसे सटीक रहेगा। जी हाँ, 26 महीने में ऐसा दिन आता है जब मंगल ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल पास होता है, इसको लॉन्चिंग विंडो भी बोलते हैं। यही वो दिन होता है, यही वो टाइम होता है कि कोई भी मंगल ग्रह पे एक्सपेरिमेंट होता है तो वो इन्हीं दिनों में साइंटिस्ट करते हैं। तो एलन मस्क का मानना यह है कि यही वो सटीक टाइम है जो हम पृथ्वी से मंगल ग्रह के लिए सारे स्पेस यानी कि कम से कम 40 से 100 स्पेस एक साथ मंगल ग्रह पे भेजेंगे। अब एलन मस्क का क्या मानना है, वो कैसी दुनिया बसाना चाहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, एलन मस्क 10 लाख लोगों का शहर बसाना चाहते हैं मंगल ग्रह पे। वो ऐसा शहर जो सेल्फ डिपेंडेंट हो यानी कि उसको पृथ्वी से कोई मदद लेने की जरूरत ना पड़े, वहाँ के लोग वहीं पे रहें और वहीं पे चीजें उत्पन्न करें, पैदा करें। तो ये किस हद तक संभव हो सकता है ये तो एलन मस्क के आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन हम आपको कुछ और चीजें और बताने वाले कि वहां पे कैसा रहेगा। अगर जो एलन मस्क से पूछा गया इंसान अगर वहां रहेंगे तो कैसे रहेंगे, तो उनका मानना ये था कि वहां पे स्टार्टिंग में क्योंकि गैस जो है सांस लेने लायक नहीं है तो इंसान वहां कांच के घर बना के खुद के वहां पेड़ पौधे लगाकर वहां पे जिंदा रह सकते हैं। और कुछ इंटरव्यू में पूछा गया था एलन मस्क के कि सबसे पहले जो जहाज भेजा जाएगा वो कब भेजा जाएगा, तो उन्होंने बोला 2022 में वो पहला स्पेस मंगल ग्रह पे भेजेंगे जिसमें कोई इंसान तो नहीं रहेगा लेकिन इंसान जो चीजें यूज कर सकता है वो चीजें जरूर रहेंगी। उसके बाद उनसे क्वेश्चन किया गया तो कब तक आपकी प्लानिंग है कि मंगल ग्रह पे इंसानों को पहुंचाया जाए, तो तब उन्होंने जवाब दिया अभी 50 से 60 साल और लग जाएंगे लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ऐसे रोचक तथ्य और सबसे हटके वीडियो जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलती है, अगर आप लोगों को मेरे टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो हटके जानकारी इस चैनल पे दी जाती है वो किसी चैनल पे नहीं मिलती। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।